काश मैंने पापा का फोन उठा लिया होता तो मेरे पापा जो है वो साइबर ठगी का शिकार ना हुए होते। काश मैंने दूसरी बार में अगर पापा का फोन उठा लिया होता तो पापा के 46 लाख रुपए का नुकसान ना हुआ होता। और काश मैंने तीसरी बार में भी पापा का फोन उठा लिया होता तो जो उनको मेंटल टॉर्चर, जो मेंटल हैरेसमेंट हुई उनके साथ में 2 दिनों के दौरान, वो ना हुई होती। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो इसी बारे में है। तो आजकल की जो जनरेशन है, फोन तो सबके पास है, किसी किसी के पास दो दो फोन भी हैं, लेकिन फोन उठाने की फुर्सत नहीं है। मम्मी कर रही हैं, पापा कर रहे हैं, हम अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, हम जवाब तक नहीं देते। और यही कारण था कि अमेरिका में रह रहे एक व्यक्ति के पिता को 46 लाख रुपए का चूना लगा दिया साइबर फ्रॉड्स ने। क्यों? क्योंकि बेटे ने फोन ही नहीं उठाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उनके पिता ने उसको फोन किया और उस बंदे ने फोन नहीं उठाया, जिसकी वजह से पिता को जो है 46 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो चलिए मामला समझ लेते हैं। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 15A के प्रेमचंद जी के साथ में हुआ और ये घटना हुई थी 12 दिसंबर 2023 को। दरअसल प्रेमचंद जी को एक फोन आता है अमेरिका से और वो बताता है कि यहाँ पर आपके लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, आपके लड़के का फोन छीन लिया गया है, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और अब उससे आप संपर्क नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जेल में है। अगर आपको उसको जेल से छुड़ाना है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे हमारे बताए हुए अकाउंट्स। ऑब्वियसली बात है, प्रेमचंद जी डर गए। उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को कॉल करके उससे बात करने की कोशिश की। बात नहीं हुई तो उन्होंने अमेरिका की पुलिस बनकर के जिन साइबर अपराधियों ने कॉल किया था उनसे अपने बेटे से बात करने की गुजारिश की। अब उन साइबर अपराधियों ने प्रेमचंद जी को किसी से बात करवाया। सामने वाला शख्स जो था, जो कि उनका बेटा बनकर के बात कर रहा था, वो लगातार रो रहा था और कह रहा था प्लीज इनको पैसे दे दो और मुझे यहाँ से छुड़वा लो। प्रेमचंद जी परेशान हो गए। अपनी कोशिशें उन्होंने जारी रखी थी, अपने बेटे को फोन किया था लेकिन बेटे ने फोन नहीं उठाया। और इसके बाद 12 से लेकर के 14 तारीख तक अगले 2 दिनों के अंदर अंदर साइबर अपराधियों द्वारा बताए हुए अकाउंट्स में प्रेमचंद जी ने अपने और अपनी पत्नी के अकाउंट से 46 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। दोस्तों ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी तमाम मामले आए हैं। पिछले दिनों दिल्ली में भी एक ऐसा वाक्या हुआ था जहां एक डॉक्टर के बेटे के लिए उन डॉक्टर महिला डॉक्टर को कॉल आया और बताया गया कि देखिए आपके बेटे ने कोई रेप कर दिया है और उसकी वजह से उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आपकी बात जो है वो बेटे से कराई जाने वाली है। बेटा भी अपनी माँ से बात करता है और माँ उसकी आवाज़ पहचान नहीं पाती क्योंकि वहां पर AI के जरिए उस व्यक्ति की आवाज़ को क्लोन कर लिया गया था। आपको पता ही होगा कि तमाम सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके कुछ सेकंड की वॉइस की सैम्पलिंग लेकर के हूबहू आपकी तरह बात कर सकते हैं। तो बेटे ने अपनी डॉक्टर माँ को रोते रोते हुए कहा कि ये फर्जी इल्जाम लगा रहे हैं, प्लीज इनको पैसे दे दो, फिलहाल मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, बाद में हम इसको समझ लेंगे। और माँ ने बताए हुए अकाउंट्स में बिना सोचे समझे पैसे जमा करा दिए। और इन दोनों ही केसेस में, यानी कि जो डॉक्टर का केस था और जो प्रेमचंद जी का केस था, दोनों ही केसेस में साइबर अपराधियों ने उनसे कहा कि देखो भैया पुलिस को मत बताना, किसी और को मत बताना, क्योंकि हम आपका सेटलमेंट कर रहे हैं पैसे लेकर के, अगर आप बताओगे तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। ऐसा एक तीसरा केस और दिल्ली में आया था जहां पर एक महिला को उसके परिचित का बता करके कनाडा से फोन आया था और बताया था कि किसी एक लड़ाई में, किसी एक गैंग वॉर में आपका जो परिचित है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको भी 5 लाख रुपए का चूना लगा था। तो इस तरह के केस कमोबेश बार बार आते रहते हैं। अब आप सोचिए, पहले मामले में प्रेमचंद जी ने 12 से लेकर 14 दिसंबर तक, यानी कि 2 दिन की अवधि में वो पैसे ट्रांसफर किए थे। इस बीच में अगर डायरेक्टली उनके बेटे से बात हो गई होती, ऑब्वियस ही बात है पैनिक हो गए होंगे। जब भी इस तरह से बातचीत हो गई, ऐसी सिचुएशन समझा दी गई, बेटा भी फोन नहीं उठा रहा है, तो आप यहाँ बैठे बैठे क्या समझोगे? यही समझोगे ना कि बेटा वाकई में मुसीबत में है। लेकिन चूंकि ये बेटे की लापरवाही थी, उसकी वजह से एक बाप को जो है 46 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो अगर आप भी कोई पिता हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, चाचा हैं, किसी की बातों में नहीं आना इस तरीके से। सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये फायदा उठाते हैं उस पैनिक मूवमेंट का। ये एक पैनिक मूवमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें कि आप उस समय होशो हवास खो देते हो। आप सिर्फ इस चीज़ के लिए लग जाते हो कि मुझे कैसे भी करके इस सिचुएशन से निकलना है और आप पुलिस की सहायता नहीं लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके बेटे ने कोई गलती की है। तो भैया बच के रहो, अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो पहले पूरी कोशिश करो वेरीफाई करने की। जहां पर भी आपका बेटा रहता है या जो भी रिश्तेदार जिसके नाम पे आपको कॉल आ रही है, उसके आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करो। सबसे पहले उसके दोस्तों को कॉल करो, जो भी पॉसिबल सोर्सेज हैं जहां से आप बात कर सकते हैं पहले उनसे बात कीजिए, उसके बाद ही पैसे देने का जो कदम है वो उठाइए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और हाँ, अगली बार किसी का भी फोन आए
तो जरूर उठा लीजिएगा, और अगर नहीं उठा सकते हैं तो कम से कम मैसेज में रिप्लाई तो कर दो ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप सकुशल हैं।